नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। गुरुवार को चंद्रयान 3 के कैमरे से ली गई पृथ्वी और चांद की तस्वीरें जारी की है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। नूह में हिंसा के बाद आज 11वें दिन स्कूल खुले हैं, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। प्राइवेट स्कूलों में कुछ बच्चे जरूर पहुंचे, लेकिन सरकारी स्कूलों में पूरी तरह से बच्चे नहीं पहुंचे हैं। पंजाब के तरन तारण में आज सुबह पाकिस्तान की सीमा से भारतीय सीमा में दाखिल होने का प्रयास कर रहे हैं एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को इंटरनेशनल फेंसिंग पर बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने मार गिराया। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में लैंडस्लाइड होने की वजह से नेशनल हाईवे 5 शिमला कालका रोड बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए सांसदों ने आज हर घर तिरंगा बाइक रैली निकाली। दिल्ली के प्रगति मैदान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रैली को हरी झंडी दिखाई। साउथ की सुपरस्टार रजनीकांत की जेलर मूवी हाल ही में रिलीज हुई है। इस मामले में थलपति विजय और रजनीकांत के फैंस आपस में भिड़ गए। रजनीकांत के समर्थकों ने आरोप लगाया कि विजय के फैंस ने जेलर मूवी का निगेटिव रिव्यू दिया था। मणिपुर में 3 मई को जो हिंसा शुरू हुई थी उसे 100 दिन पूरे हो गए, अभी भी हालात ठीक नहीं है और राज्य की स्थिति को लेकर बीते दिन ही देश के संसद में एक लंबी बहस खत्म हुई है। पैन इंडिया फिल्म आदि पुरुष अपने रिलीज के लगभग 2 महीने बाद अब ओटीटी पर रिलीज हो गई है। प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की इस फिल्म को अब आप घर बैठे अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं। मेगास्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर रिलीज के साथ ही सिनेमाघरों में छा गई है। फिल्म ने पहले दिन धमाकेदार कलेक्शन किया है। हालांकि कमाई के मामले में ये पठान से फिल्म फिर भी थोड़ी अब पीछे रह गई है। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में मुकाबला जापान के साथ रहेगा। टीम इंडिया ने राउंड रॉबिन चरण में 4 मुकाबलों में जीत हासिल की थी, जबकि एक मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यही लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।